आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भाई? तो ये बंडल के बंडल कहां जाते थे? नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं अभी पीछे लगाओ, निकालो, आ रहा है। आपने देखा होगा कोने कोने से नोटों की अलमारी नंबर एक, नोटों की अलमारी नंबर दो, नोटों की अलमारी नंबर तीन, नोटों की अलमारी नंबर चार, नोटों की अलमारी नंबर पांच, नोटों के बैग नंबर एक, नोटों के बैग नंबर दो, नोटों के बैग नंबर तीन, नोटों के बैग नंबर चार, नोटों के बैग नंबर पांच, नोटों के बैग नंबर छह, नोटों के बैग नंबर सात, नोटों के बैग नंबर आठ, नोटों के बैग नंबर नौ, नोटों के बैग नंबर दस, नोटों के बैग नंबर ग्यारह, नोटों के बैग नंबर बारह। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद का कैश लोक है। ये देखकर आप हैरान हो रहे होंगे, इतने नोट कभी एक साथ देखे हैं क्या? एक एक अलमारी नोट से ठसाठस भरी है। आम लोगों की अलमारियों में तो आम चीजें होती हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनी की अलमारियां हैं, जिनमें नोट ही नोट भरे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस तरह की नोटों से भरी हुई 8 से ज्यादा अलमारियां मिल चुकी हैं। और अगर तस्वीरें देखें तो वीडियो में ही नोटों के बंडलों के एक दर्जन बैग नजर आ रहे हैं। ये मामला इतना बड़ा है और नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, देशवासियों इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यही मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव शुरू होने के 3 महीने पहले निकले ये लाखों नोट मोदी विरोधी गठबंधन को बहुत मुसीबत में डालने वाले हैं। अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई, पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। आखिर ये नोट किसके हैं? इतने नोट इकट्ठे कहां से हुए? आखिर इन नोटों पर प्रधानमंत्री को क्यों ट्वीट करना पड़ा? सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस के सांसद धीरज साहू की कंपनी के इस कैश लोक के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। ओडिशा में मौजूद डिस्टिलरी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ आयकर विभाग ने तलाशी की है। आयकर विभाग को उम्मीद है कि इस तलाशी अभियान में 250 करोड़ रुपए कैश मिलने की संभावना है। अब तक 200 करोड़ की नकदी जब्त की जा चुकी है। अब तक हुई छापेमारी में 40 लाख से ज्यादा नोट बरामद हो चुके हैं। आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भाई? तो ये बंडल के बंडल कहां जाते थे? नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं अभी पीछे लगाओ, निकालो, आ रहा है। आपने देखा होगा कोने कोने से। आयकर विभाग ने ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर भी छापेमारी और तलाशी जारी है। नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि नोट गिनने के लिए आयकर विभाग की मशीनें कम पड़ गई हैं। 6 दिसंबर यानी बुधवार से नोटों की गिनती शुरू हुई थी और अभी तक नोटों की गिनती लगातार जारी है। अभी भी नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। आयकर विभाग को उम्मीद है कि अभी 2 दिन और नोटों की गिनती चलने वाली है। नोटों के इन बैग्स और नोटों से ठसाठस भरी इन अलमारियों के कैश को गिनने के लिए नोट गिनने वाली 36 मशीनें लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद के इस कैश लोक पर पहले ट्वीट किया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें यह बताया गया कि इस कैश लोक के पीछे कांग्रेस का करप्शन है। इस पर आईटी रेड हुई है, जो कि 3 प्रदेशों में, झारखंड में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर 2 दिन तक चली। जो तथ्य सामने आए हैं
जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। कैश की अलमारियां और बैग धीरज साहू की कंपनी के तमाम ठिकानों से मिल रहे हैं। अलमारियों में छिपाई गई 200 करोड़ रुपए की नकदी तो सिर्फ बलांगीर जिले में डिस्टिलरी समूह के एक परिसर से बरामद की गई है, जिसमें करीब 50 करोड़ के नोट ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, साथ ही झारखंड के बोकारो और रांची से मिल रहे हैं। धीरज साहू की एक नहीं कई कंपनियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नोट ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों से बरामद हुआ है। इसके अलावा आयकर विभाग ने धीरज साहू की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापे मारे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना काला धन कांग्रेस सांसद के पास आया कहां से? क्या इतना पैसा शराब के व्यापार की टैक्स चोरी से इकट्ठा किया गया है? दरअसल धीरज साहू की कंपनी क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड में विदेशी शराब की बॉटलिंग होती है। इनमें से कई कंपनियों में धीरज प्रसाद साहू भी डायरेक्टर है। बीजेपी इसलिए इस छापेमारी और नोटों की बरामदगी को मुद्दा बना रही है क्योंकि धीरज साहू 3 बार कांग्रेस की तरफ से सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ धीरज साहू नजर आए थे। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी ने गहलोत की लाल डायरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है और बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि बीजेपी दिखाए कि आखिर वो लाल डायरी है कहां। लेकिन लाल डायरी से पहले तो टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर कांग्रेस सांसद का कैश लोक नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मोबाइल पर वायरल हो रही हैं और अखबारों में छप रही हैं। साल 2024 के चुनाव में इन तस्वीरों पर कांग्रेस पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा।